से देख सकते हो ये सारे पहाड़ अभी बादलों से ढके हुए हैं और अभी हम ऋषिकेश में हैं। अगर मैं आपको उधर दिखाऊं और अगर आप इधर एक ये पुल देखेंगे तो ये है जानकी सेतु, जानकी ब्रिज, और इधर आपका ये इस तरफ ये राम झूला है। तो आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, और अगर आप देखें तो पानी का बहाव, गंगा जी का बहाव काफ़ी तेज़ है। स्नान ज़्यादा नहीं कर रहे लोग, थोड़ी देर कर रहे हैं, 5-10 मिनट कर रहे हैं और जा रहे हैं निकल के। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, बादल आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये ऋषिकेश का कुछ नज़ारा, बादल चारों तरफ, ये जो आप देख रहे हैं जानकी पुल, जानकी ब्रिज, ये ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर बना हुआ है, और कोहरा है, काफ़ी ज़्यादा बादल नीचे आए हुए हैं, जो गंगा जी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, बहुत कम लोग ही स्नान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो काफ़ी सुंदर और भव्य नज़ारा है। ये देखिए आप पहाड़, पहाड़ों पे बादल ही बादल आप देख सकते हैं, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। चोटी वाला भी इधर ही है, बाय दी गंगेज। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो आप आराम से बैठ के आप स्नान कर सकते हैं, 2-5-10 मिनट बैठ सकते हैं सीढ़ियों पर चेन पकड़ कर। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठेंगे तो सही नहीं रहेगा, अंदर जाके भी स्नान कर सकते हैं। हम जून में आए थे तब ऐसा कुछ माहौल नहीं था, बारिश नहीं थी, हम जून में आए थे, हमने काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया था, इन्जॉय हम अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये नज़ारा अब देखने को नहीं मिला था, अब देखने को मिल रहा है। लेकिन जब तब था हम बीच में जाके स्नान कर रहे थे जानकी सेतु के पास, जो कि हम इस बार नहीं कर पाए। हम काफ़ी अच्छा भव्य नज़ारा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है, और बादल ही बादल हैं चारों तरफ, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। मैं आपको और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे पीछे देखिए आप, मेरे पीछे देखिए आप,